मार्क जुकरबर्ग ने ट्विटर की कॉपी की है, जिस वजह से एलोन मस्क ने इस पर केस कर दिया है और अब मार्क जुकरबर्ग जेल जाएंगे। आइए जानते हैं पूरी स्टोरी इस वीडियो के जरिए, लेकिन इससे पहले सुपर फैक्ट को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। फ्रेंड्स, लास्ट वीक ट्विटर को कम्पीट करने मेटा की थ्रेड्स लॉन्च हुई और थ्रेड्स लॉन्च होने के 2 घंटे में ही इसे 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस पे अकाउंट बना चुके थे। लेकिन इसके बीच एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग के बीच बवाल चल रहा है। दोनों लेजेंड अपने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के बारे में भला बुरा कह रहे हैं। इसी बात के बीच एलन मस्क ने 9 जुलाई को मार्क जुकरबर्ग के बारे में ट्वीट किया। इस ट्वीट में एलन मस्क ने जक इज जकक लिखा, ये इनसाइडर बिजनेस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कक राइट विंग्स के कॉमेंटेटर और ट्रोल्स द्वारा किए गए इंसल्ट को कहा जाता है। रेस्टोरेंट चेने विंडीज ने थ्रेड अकाउंट पर पोस्ट करके लिखा कि मस्क को और जलाने के लिए मार्क जुकरबर्ग को स्पेस में चले जाना चाहिए। इसके रिप्लाई में मार्क जुकरबर्ग ने लाफिंग इमोजी पोस्ट किया और ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते केस पर आ गई थी। एलन मस्क ने थ्रेड्स के लॉन्च होने के बाद मार्क जुकरबर्ग की मेटा के अगेंस्ट केस करने की धमकी दी है। एलन मस्क का कहना है कि मेटा के नए ऐप ने ट्विटर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ छेड़खानी की है। थ्रेड्स एक तरह से टेक्स्ट पर बेस्ड इंस्टाग्राम का नया वर्जन है और इसके काम करने का तरीका काफी हद तक ट्विटर से मैच करता है, जिस वजह से एलन मस्क ने एक लेटर भेजा है मार्क जुकरबर्ग को, जिसमें कंपनी पर ब्लू बर्ड ऐप के हजारों पहले के एम्प्लॉय को काम पर रखकर ट्रेड सीक्रेट्स को यूज करने का एलिगेशन लगाया है। मुकदमे की कार्रवाई शायद अब तक का सबसे बड़ा इशारा है, जो ये बताता है कि एलन मस्क मार्क जुकरबर्ग के ट्विटर किलर ऐप से थोड़े टेंशन में है। कई मीडिया आउटलेट्स ने थ्रेड्स को ट्विटर किलर या ट्विटर क्लोन भी कहा है। इस बारे में आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट्स में बताएं एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब करें ऐसे ही कंटेंट्स को रेगुलर पाने के लिए।